केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे। हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं केजीएफ चैप्टर 2 का अभी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अभी एक डे हो चुका है, इतना खतरनाक चल रहा है कि अभी हमने देखा तो लगभग 45 से 50 मिलियन क्रॉस हो चुका है, एक ही दिन नहीं हुआ है, जिसमें कि इतना खतरनाक रिव्यू मैं उसको लेके आया हूँ। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से खून से लिखी हुई कहानी, जो कि आप कहानी आपको शायद पता ही होगा। मैं भी बताऊंगा इसमें कि रिलीज डेट कब है, इसका मूवी कब आने वाली है, हमारे सामने आपके सामने आने वाली है और कितनी ही खतरनाक चलने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी थोड़ा बात कर ले। तो स्टोरी इसमें कोलार से लिया गया, जैसे कि आपने सभी लोगों ने देखा ही होगा कि 2018 में जो KGF 1 लॉन्च हुई थी, बहुत ही खतरनाक, जिसकी अगर पॉपुलरिटी की बात करें पूरे वर्ल्ड में छा गई थी। तो इसको भी क्या किया गया है कि इसको भी जो चैप्टर 2 आ रहा है उसको भी लगभग 4 से 5 लैंग्वेज आ रही है, जो कि अगर हम बात कर ले तो ये हर एक जगह चलने वाले, पूरे कंट्री में चलने वाले हैं, जो कि इंडिया में ही लॉन्च हो रही है। इसमें यश जी, रॉकी जी हैं जो बहुत ही खतरनाक एक्शन किए हैं, संजय दत्त जी हैं, उनकी एक्टिंग तो बात ही मत करिए किस तरीके से एक्टिंग है उनकी, इस तरीके जिस तरीके आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब रवीना टंडन जी हैं, उनकी है जो कि कोई भी चीज़ों को जवाब देती है, मुंह तोड़ जवाब देती है डायरेक्ट, और बस भी हथियार है। उसके बाद हम बात करें तो प्रकाश राय भी, इसमें बहुत खतरनाक है, घुस के मारेंगे। और गाइस बता दें इसमें हम रामचंद्र जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसमें जो अगर हम स्टोरी की बात करें तो गाइस हमारे सामने मूवी थिएटर में आने वाली 14 अप्रैल को बहुत ही एक शानदार एक्शन के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि कोलार से लिया गया है, जैसा कि आप पिछले उसमें देखे होंगे 2018 वाले फर्स्ट पार्ट में, उसी के आगे की कहानी हमें देखने को मिलेगी बहुत ही अच्छे एक्शन के साथ, जिसमें इतने ज़्यादा उसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं उन पर जो दया दिखाने वाले हैं, उसको जो रक्षा करने वाले, जिसमें बहुत ज़्यादा उनको क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता है, जो कि खून से लुत्फ देखना चाहते हैं, उस पर एक्शन बहुत ही अच्छा मूवी बनाई गई है जो कि आपके सामने देखने को मिलेगी। तो हम लोग अब देखते हैं और उसका रिव्यू देते हैं अगली मूवी जैसे ही लॉन्च होगी, बहुत ही खतरनाक एक्शन के साथ 14 अप्रैल को जैसे ही लॉन्च होगी, उसके बाद मैं इसका रिव्यू लेके आऊँगा मूवी का बहुत ही खतरनाक एक्शन के साथ, और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से शूटिंग हुई, किस तरीके से रिलीज हुई है। तो मिलते हैं हम किसी नए अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जैसे ही मूवी कोई भी आए नया नया मैं अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आप उससे नॉलेज ले सकें, आप देख सकें कौन सी मूवी आने वाली, क्या न्यूज चल रहा है, सब कुछ डिटेल। तो गाइस हम मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।